हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए ब्रेड की बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए इसे हम बनाते हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर देखिए, सब आपकी तारीफ करेंगे। ब्रेड उपमा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब सबसे पहले इसे हम हल्का सा सेक लेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है फ्रेंड्स। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को कढ़ाई में हम अच्छे से फैला देंगे। अब इसमें हम ब्रेड के टुकड़ों को डालेंगे फ्रेंड्स, और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भुनेंगे, सेक लेंगे। ब्रेड डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। ब्रेड हल्के से सिक गए हैं फ्रेंड्स, अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ तड़के के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ लिया है करी पत्ता, हरी मिर्च, जीरा, राई, चना दाल और उड़द दाल। तो तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई में जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम चना दाल को डालेंगे, इसके साथ ही उड़द दाल डालेंगे। चना दाल को 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम राई डालेंगे, इसके साथ ही इसमें हम करी पत्ता डालेंगे फ्रेंड्स, हरी मिर्च। सभी चीज़ों को हम कढ़ाई में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। यहाँ हमने 2 प्याज को बारीक काट लिया है फ्रेंड्स। प्याज डालेंगे, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हल्का सा भून लेना है जिससे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे जिससे कि प्याज हल्का सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए कवर करके टमाटर के गलने तक पकाएंगे फ्रेंड्स। आप इसे ब्रेड उपमा कह सकते हैं या मसाला ब्रेड कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी ये रेसिपी है। यहाँ जो टमाटर अच्छे से भून चुके हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ हमने मसालों में लिया है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, और यहाँ हमने मैगी मसाला लिया है फ्रेंड्स। तो इन सभी मसालों को हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में इन मसालों को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ हमने 1/4 कप पानी का यूज़ किया है फ्रेंड्स, ये देखिए। पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे जिससे कि मसाले अच्छे से पक जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम ब्रेड को डालेंगे। ब्रेड डालने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे जिससे कि ब्रेड थोड़े से सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स। आपको यहाँ ध्यान देना है, ब्रेड को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना ब्रेड टूट जाएंगे। ब्रेड हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब इसमें हम साइड में थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे। आप इसके साथ चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसका कलर और दिख रहा है। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है उतना ही बढ़िया ये खाने में लगेगा। रमज़ान का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को इफ्तारी के समय भी नाश्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता है, सबको बहुत पसंद आएगा। अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे फ्रेंड्स। ब्रेड उपमा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे सर्विंग प्लेट में हम निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया ये दिख रहा है। आपको इसमें पानी का बहुत ध्यान देना है फ्रेंड्स, पानी बहुत हल्का सा यूज़ करना है। इतना कम भी आप ना यूज़ करें कि ब्रेड कड़े रह जाए, और ज़्यादा भी ना यूज़ करें जिससे कि अगर आप पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल देंगे तो ब्रेड सारे टूट जाएंगे।
ब्रेड उपमा को हमने प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब इसे हम गार्निश करेंगे। यहाँ हमने कुछ भुने हुए काजू और मूंगफली दाना लिया है। अब इस मूंगफली और काजू को हम ब्रेड उपमा के ऊपर डालेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और हमें कमेंट में बताएं कि कैसे लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी सारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।